उधर से तीन ओवर के मैच शुरू होंगे। दस रन हुए अभी पाटिल, जरा ध्यान दीजिए। दिनेश शिरुणकर और दिनेश हमारे साथ साथी कॉमेंट्रेटर अभी पाटिल भी है जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, काफी अच्छी स्कोरिंग करते हैं वो। और उन्हें निमंत्रण भी था खोपोली टेनिस क्रिकेट के विश्व कप में, कुछ कारणवश फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो आ नहीं सके। नरेश ठुमरे डाक्टी मंडरी, अब आक्रामक खेलना होगा प्रशांत सर को और संजय सोलंकी को, तभी जाके रन पूरे होंगे। नए गेंदबाज आवाज कर अमित आवाज कर अमित आवाज कर प्रशांत खांडेकर को अब छक्कों की लड़ी लगानी होगी। संजय सोलंकी को अपने पुराने अंदाज में आना होगा, तब जाके ये 69 रन पूरे होंगे। मकेश चव्हाण ने काफी अच्छी ऑलराउंडर भूमिका निभाई है इस ओवर में, महज उन्होंने 10 रन दिए और 10 रन प्रति ओवर अगर ये खेलती है टीम तो काफी पीछे रहेगी मॉर्निंग बॉयज को बोली, क्योंकि 40 बना पाएगी ये टीम और उन्हें 69 रनों का पीछा करना है। प्रशांत खांडेकर बैक टू द डगआउट, विकेट नंबर दूसरा तो ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे, पंटिया सुरवे जिन्हें घातक फिल्म काफी पसंद है। जिन्हें सनी देओल की घातक फिल्म काफी पसंद है और सनी देओल की वो लाइन भी उन्हें काफी पसंद है, सातों को सात एक साथ मारूंगा। नहीं घातक में वो लाइन नहीं है, वो लाइन दामिनी में वो डायलॉग सनी देओल का, लेकिन सातों को साथ एक साथ मारूंगा ये लाइन पिंटा सुरवे को काफी पसंद आती है। संजय सोलंकी कवर्स में खेल रहे हैं, देखिए रुके हुए हैं संजय सोलंकी, लेकिन उन्हें लगा कि ये चार रन मिल सकते हैं। अंतिम क्षणों में काफी अच्छी फील्डिंग हुई, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। क्या गेंदबाजी हो रही है अमित अवास्कर की, स्टैटिक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी। 64 टीमों का रिकॉर्ड किया था मिथुन लांगी ने, 64 टीमों का रिकॉर्ड पहली बार सुधागढ़ में ऐसा हुआ था रजनी क्रिकेट में। 64 टीमों को इकट्ठा का करते करते थोड़े से बाल भी झड़े हैं मिथुन लांगी के, 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये एज लगा था लेकिन विकेट कीपर काफी दूर थे, ये डॉट गेंद आई, 13 पर रुका हुआ टोटल।
धूप का भी एल और फोटोक्लस के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तारीफ तो बनती है इनकी। फुल टॉस किया और ये फुल टॉस अंपायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि ये वेस्ट साइड बीमर का अगले गेंद होगी वेट। रिव्यू सिस्टम नहीं है, रिव्यू सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक ही कैमरा है उस वजह से रिव्यू सिस्टम नहीं है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए, दर्शकों तक ये टूर्नामेंट पहुंचे इसीलिए हमने ये लाइव की सुविधा दी है, वरना उतना बजट नहीं है। फ्रेड फ्रेड और ये चेहरा खोपोली का सम्मान, खोपोली का अभिमान और खोपोली का स्वाभिमान। टीम का टोटल 14 रन। चौदह नहीं हो सकते, ज्यादा है क्योंकि अभी 6 आया था, वो गिना नहीं स्कोर ने। अभी 6 आया ना फ्रेड पे, फ्रेड का 6 आया ना। अभी भाटी क्या कर रहे हैं आप, पहले ओवर में 10 थे। अरे 20 रन, नो बॉल का 1 रन, 1 छक्का। अरे बराबर है भाई 20 रन। अभी पाटिल जरा ध्यान दीजिए, वरना हमारे जो गुड मॉर्निंग के कप्तान है उन्हें छटका आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है उनका। और ये लटक गए, ये संजय सोलंकी बड़ी मछली जाल में, लेकिन देखिए जीवन दान दिया जा रहा है उनको, बार बार उन्हें खेलने का मौका दे रहा है, लेकिन आपको इन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं देना है, क्योंकि ये अगर किसी गेंदबाज के ऊपर बरस पड़े ना तो रो में 4-5 छक्के आ सकते हैं। तो ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 21-12 गेंदे और हुआ। अड़तालीस रनों की जरूरत, 8 छक्के 12 गेंदों में लगाने हैं संजय सोलंकी। तुषार शंकर तुम्हाला दंत आयोजन लय भारी। संतोष माने कृष्णा सातपुते का, जिन्होंने स्टंप तोड़ा था, स्टंप जब बोल किया था कृष्णा सातपुते को तो स्टंप के 2 टुकड़े हुए थे पाली के मैदान पर, इतनी रफ्तार दी युवा अवस्था में इस गेंदबाज की। संतोष माने 12 गेंदों में 48। इसीलिए मैंने कहा था इन्हें आपको, इन्हें आप जीवन दान नहीं दे सकते, ये 8 छक्के लगा सकते हैं 12 गेंदों में, 1 छक्का आ चुका है। मिथुन लांगी को आखिरी ओवर करना, और मिथुन लांगी जानते हैं कि आखिरी ओवर में उनके सामने संजय सोलंकी नहीं होनी चाहिए, और मौका दिया था 2 बार संजय सोलंकी ने। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 48-42 की जरूरत है 11 गेंदों में। ये लगातार दूसरा 6 छक्के बाकी है, गेंदे बची है 10।
दस गेंदों में 36 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं लगातार दो। मैंने पहले ही कहा था इन्हें आप जीवनदान नहीं दे सकते, ये एक ओवर में 3-4 छक्के रो में लगाने की ताकत रखते हैं। ये अगर पुराने इक्कू होते, पुराने जो इनका खेल मैंने देखा है, इनको मैंने स्टार बनते हुए देखा है, शुरुआत से देखा है इनके खेल को, तो मुझे तजुर्बा है। ये मैच की सिचुएशन को हैंडल करना बखूबी जानते हैं और इसीलिए रायगढ़ में कई खिलाड़ी को मैंने निक नेम दिया, लेकिन पहला नाम अचानक सुप्रीम और रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी में पहला नाम मैंने इनको दिया था, क्योंकि वो उसके काबिल है। काबिल बनो रणछोड़दास, बाबा रणछोड़दास छाजर ने कहा है काबिल बनो, एक्सलेंस सक्सेस सफलता आपके कदम जरूर छूएगी। रो में दो छक्के आ चुके हैं और ये तीसरा, और ये तीसरा, और ये तीसरा देखिए संजय सोलंकी ने मन बना लिया है कि वो 8 छक्के लगाएंगे। माटिया का एक रिकॉर्ड है, 12 गेंदों में 54 की जब जरूरत थी उन्होंने 9 छक्के लगाए थे पंकज यादव ने। इकतीस का निजी योगदान संजय सोलंकी का, लेकिन 8 छक्के लगाने थे 12 गेंदों में, लेकिन अब उनमें से 3 आ चुके हैं, 5 बाकी है। ये चौथा, क्या गेंदबाजी हो रही है शौरभ ने, 4 बाकी है और गेंदें बची 8। संतोष माने घुटने पर अब आ चुके हैं, पीछे से उदय कोलंबे भी काफी क्लोजली देख रहे हैं अपने साथी की बल्लेबाजी। आज रिकॉर्ड बन सकता है 6 छक्कों वाला, 37 का निजी योगदान संजय सोलंकी, 8 गेंदें बची है, 24 रनों की जरूरत है, यानी कि 4 छक्कों की जरूरत। सात गेंदे 24 रनों की जरूरत। एक आसान क्या छोड़ा संजय सोलंकी का, और उसके बाद मैंने क्या छोड़ने के बाद ही कहा था ये कहर अगर भर पाएंगे ना किसी गेंदबाज के ऊपर तो 4-5 छक्के आ सकते हैं, और उन्होंने 4 लगाए, यानी कि जो विश्वास मैंने उनके ऊपर जाहिर किया था उस विश्वास पर खड़े होते। बतौर बल्लेबाज क्या भूमिका निभा रहे हैं, 37 का निजी योगदान और एक और, 3 बाकी है, अब वो काम पिंटिया शुरू को करना है, 5 इन्होंने लगाए और हो गया भाई, अब क्या डालेंगे वो, नहीं कंटिन्यू नहीं है, 4 कंटिन्यू, उसके बाद एक डॉट गेंद, अब 18 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में, ठोक दीजिए जैसा ही तूने ठोका।
देखिए सिंगल ही लेंगे संजय सोलंकी, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें 5 गेंदों में 3 लगाने हैं, 17 की जरूरत है। 43 का निजी उपाय संजय सोलंकी का, क्या एक ही मैच में 250 देखने का हमें मौका मिलेगा? एक लगाया है बंगे चौहान, 55 रनों की शानदार पारी, वो पहले सत्र में थी, लेकिन यहाँ पे अगर ये 50 पूरे होते और मैच जितवाते हैं संजय सोलंकी, तो इस पारी का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि चेसिंग करते समय पांच गेंदे 17 रनों की जरूरत। महाराम गायकवाड़ को सूचनाएं दी रही है कि किस लाइन पे गेंदबाजी की जाए। और ये डॉट गेंद, 4 गेंदे 17 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी, पुराना चावल है ये, लेकिन स्वाद वही। ये फुल टॉस किया, खराब गेंद, ये नहीं कर सकते आप। 4 गेंदे 17 की जरूरत थी, अब 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत, ये नहीं कर सकते। संजय सोलंकी खेल रहे अपने निजी 49 के योगदान पर, और विनोद सोलंकी की तरफ से अगर संजय सोलंकी इस मैच को जितवाते हैं 50 दाग कर, तो 1000 का इनाम, विनोद सोलंकी की तरफ से 1000 का इनाम।